केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बीकापुर मेडिकल कॉलेज में जीरो ईयर घोषित करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की सूचना पहले ही दे दी थी तो उसे दूर करने की जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग की है। और आपको बता दें कि कॉलेज की स्थापना को 5 साल अधिक हो गए हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते मौजूदा साल को जीरो ईयर घोषित कर दिया गया। कि जो टीम यहाँ पर आई थी, पहले निरीक्षण में जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया था, जो कमी थी उसके बारे में बता दिया गया था, फिर दो बार वो निरीक्षण पर आए तो समय रहते जो डिमांड थी, जो शर्तें थी, उनको पूरा करना चाहिए था, लेकिन ये लापरवाही है। मुझे ये बिल्कुल मन में, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि नाइंसाफी हुई। ऐसा कोई कारण नहीं था कि जीरो ईयर कायम होना चाहिए। पहला बैच मेडिकल कॉलेज का जब स्वीकृत हुआ तो आपके पास साधन क्या है? उस समय अगर बैच चालू किया जा सकता था तो कोई कारण नहीं है कि इस साल जीरो बैच किया जा सके, जबकि कई उपलब्धियां, कई आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा चुकी थी। ये तो अन्याय हुआ। बिलासपुर के